सो गाइस यहाँ पे बातचीत कर रही है, बाकी चलते हैं शादी वाले घर में। और भैया बाकी बताइए, सब ठीक बढ़िया? शादी में कब आ रहे हैं? बस जा रहे हैं। चलिए शादी में मिलते हैं। तैयार हो गए? नहीं हुए हैं। और भाभी कुछ बोला जाएंगे? चलिए शादी में नाचते हैं, ठीक है? मिलते हैं शादी में। हाँ तो गाइस हम लोग जा रहे हैं शादी घर, हमारे साथ हैं देख सकते हैं अजय दान तिर्की सर, और उधर हैं आंटी जी, भाभी जी हैं, और इधर हैं रेने कुजूर जी। हम लोग जा रहे हैं शादी घर। और कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ शब्द कुछ छूट गया तो? क्या बोलूं मैं शादी यहाँ का मौसम के बारे में बताइए। यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन गर्मी है, लेकिन अभी हम एसी में कार में है तो इसलिए अभी गर्मी फील हो नहीं रही है, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है दिल्ली में तो ज्यादा है ना इससे? हाँ, मैं इतना गर्मी है कि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं यहाँ पे अगर कभी भी आऊँ तो मैं ठंडियों में ही आऊँ, लेकिन इस बार मजबूरी थी पर इस बार मेरे भाई की शादी थी, मेरी मजबूरी थी नहीं मजाक करी, मतलब इस बार बहुत खुशी का मौका था, तो फिर जब खुशी का मौसम है और भाई की शादी है तो क्या सर्दी और क्या गर्मी और बस सब आ जाओ बस जी। खुशी लग रही ना बहुत? ये देखो और नहीं तो क्या, मेरी शक्ल देखो, मेरे चेहरे से मेरी स्माइल नहीं जा रही है। ओके, बाकी मिलते हैं शादी में डायरेक्ट, बाकी सब मिलके मजे करते हैं। रेने जी साथ हैं तो इस शादी बहुत हसीन और रंगीन होने वाली है। यहाँ से कुछ कुछ खाने का आइटम ले रहे हैं शादी में, तो खाना ही मिलेगा, कुछ अलग आइटम नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ से कुछ कुछ आइटम ले रहे हैं खाने के लिए। सो गाइस इस वक्त हमें जंगल टोली सागी भवन एक आसाबाइल एरिया में पड़ता है, तो यहीं पे शादी में आए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग हैं लड़की पक्ष से और रेने कुजूर लोग हैं लड़के पक्ष से, यानी कि रेने कुजूर के भाई का बारात आए हैं यहाँ पे, हम लोग लड़की पक्ष वाले हैं, तो यहाँ पे किस तरह से स्वागत करते हैं बारातियों का, आइए मैं दिखाता हूँ। स्वागत चालू हो गया है, ये देख सकते हैं आप, स्वागत के लिए निकल गए हैं और पहुँच भी गए हैं। आप देख सकते हैं रेने कुजूर जी नाच रही हैं देसी, यहाँ का चेन डांस आप देख सकते हैं, जैसे चेन डांस करते हैं वैसे नाचते हुए रेने कुजूर। आप देख सकते हैं दूल्हा बाबू यानी कि रेने कुजूर का भाई। ये है रेने कुजूर जी की भाभी, हाय कीजिए हमारे व्यूअर्स को। हेलो, ये देखिए थोड़ा अभी ब्रेक हुआ है, तो बताइए भाभी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना जी? चलिए ठीक है, मिलते हैं बाकी, आज दिन भर है। Thank you.
काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इस पंडाल में सारे लोग अभी नाश्ते का है व्यवस्था और कुछ देर में खाने का व्यवस्था है, तो सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं बारातीगढ़। बाकी काफ़ी मज़ा आ रहा है इस शादी में। खाने बन रहे हैं, आप देख सकते हैं मस्त चावल है और है ये भी चावल है, ये है दाल, ये दाल है और कुछ बन रहा है इधर, आप देख सकते हैं। और इधर है ये, मुझे लगता है चिकन है, चिकन है ना, चिकन है, फ्राई हो गए हैं, बना नहीं है, बना नहीं है, फ्राई बस हुआ है। ये टमाटर चटनी बना रहे हैं भाई, कढ़ाई गर्म हो गया है। ये महुआ, महुआ पेड़ के नीचे बन रहा है यह खाना। आज मौसम ऐसा है, थोड़ा थोड़ा बादल है आसमान में, इसलिए थोड़ा गर्मी ज़्यादा नहीं है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे हमारे कांसाबेल क्षेत्र में। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग हैं शादी में कांसाबेल का और यहाँ पे एक से एक लोग मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे को एक गेस्ट से मिलाने वाला हूँ, ये है सुमन। बाकी इनसे मैं सेकेंड टाइम मिल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मिला था मैं जसपुर के कोर्ट में जब इनकी शादी हो रही थी, अब बाकी सेकेंड टाइम मिला हूँ। ये अजय दान तिर्की चाचा हैं, उनके बहू हैं, तो ये भी वीडियो बनाती हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाती हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले ही इनका मोनेटाइज हुआ है तो काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो बताइए अपने चैनल के बारे में। आप सभी को मेरा नमस्कार, और मैं सुमन, और मेरे चैनल का नाम है VJ सुमन। तो मैं भी ऐसे ही डेली व्लॉग डालती हूँ अपना, और जो भी स्कूल में हर सैटरडे वटरडे को या तो फिर और बाकी दिन भी जो भी एक्टिविटीज़ कराते हैं उसको डालते हैं, बाकी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ही वीडियो डालते हैं। तो आप लोग लड़की पक्ष वाले हैं ना, हाँ। बारात रहने कुजूर आई हैं तो शादी इंटरेस्टिंग हो गया पूरा। हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग जान रहे थे कि उनकी फैमिली से रिश्ता जुड़ा है करके, और हम लोग उनसे मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और हम लोग मिले, हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इनका तो पूरा इंटरव्यू ही लिए हैं आप, है ना। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इस शादी में पूरा चार चांद लग गया ऐसा समझ लीजिए। बाकी चैनल का नाम भी VJ फिर सुमन। ओके, मैं डाल दूंगा लिंक में। जो जिनको भी ये बहन का चैनल में जाना है, मतलब क्या बोलूँगी, बहू होंगी ना मेरी, या तो चैनल में जाएं और एक बार जरूर चेकआउट करें फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाती हैं, एक बार देखें। बाकी हम लोग तो शादी में हैं, इंजॉय कर रहे हैं ना, बाकी खूब नाचे, इनके वीडियो में भी देखने को मिलेगा रहने कुजूर को, बाकी काफ़ी मज़ा आ रहा है शादी में। हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इधर मेरे भतीजे लोग को देखिए, हाय बोल दो रियान, हाय हाय। उधर आयुष्मान, हाय बोल दो, हाय। हाँ, दोनों लोग क्या कर रहे हो? आयुष्मान, आयुष्मान खुराना, नहीं आयुष्मान छाबड़ा, छाबड़ा, ओ आयुष्मान छाबड़ा। तो इस टाइप से क्यूट क्यूट बच्चे लोग हैं यहाँ पे, वो अच्छे से करो, बाकी मिलते हैं आगे। अभी खाने का टेस्ट कैसा है यहाँ का? अच्छा, पहाड़ी खाना है, अच्छा है। जंगलों के बीच में, हाँ, जंगलों के बीच में एक स्नैक पिकनिक, पिकनिक मोटा चावल है, पर एडजस्ट करना पड़ेगा आज के लिए। नहीं, बहुत अच्छा है, एडजस्टमेंट वहाँ होती है जहाँ अच्छा नहीं लगता है, मैं अच्छा लगा।
और रेने संगी जी कैसे है बताइए? ठीक है, ठीक है। नहीं लेकिन मोटा चावल है, कोई बात नहीं, मोटा रेने संगी को चल नहीं रहा है, सब खाते हैं, चलता है ना, हमारे घर में सब कुछ खा लेते हैं। अच्छा, नहीं गुड़िया ठीक है, खाना ठीक लग रहा है, नमक वगैरह ठीक है? रातियों के लिए खाने की व्यवस्था इधर की गई है, आप देख सकते हैं सारे लोग इधर खाना का मजा लेते हुए जंगलों के बीच में। बाकी सारे लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है, महुआ का पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, छाँव काफ़ी ज़्यादा है जंगलों के बीच में। सारे लोग इधर फोटो शूट करवा रहे हैं, सारे लोग इधर बारी बारी से फोटो खिंचवाते हुए और फोटो शूट लगभग कम्प्लीट हो गया। इधर है चीनी लकड़ा, मैं पहले मिला चुका हूँ इनसे, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है चीनी लकड़ा के नाम पे, आपने जरूर देखा होगा। हम लोग खाना खाते हैं, करीब 5 बज गए हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। गुपचुप खाना है? गुपचुप खाना है? गुपचुप नहीं है, रोड में लगा है, अभी यहाँ पूरी खाओ। ये है पापड़, है पापड़ का काम करता है मस्त, और ये है पूरी। जब खाऊंगा बोल रहा था, बाटने वाली खूबसूरत लड़की, बाटने वाली। इधर है चावल जो कि अच्छा पहाड़ी चावल बोलते हैं हम लोग क्षेत्र में, देसी चावल, जो मोटा दाना है उसना चावल बोलते हैं। बाकी खाने में काफ़ी मज़ेदार लगता है, ताकत भी अच्छा खासा लगता है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है और मतलब लेट से डाइजेस्ट होता है, तो लेट तक एनर्जी ये बना रहता है इससे, ये हमारे बाकी देख सकते हैं। ढेकी से कूटा हुआ चावल है क्या? ढेकी से ना, ढेकी से कूटा हुआ चावल है, बाकी मैं तो भर के लूँगा। देखें नहीं मतलब मशीन नहीं, लकड़ी का है मशीन, ढेकी ना, ढेकी 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 का कूटा चावल है। और एक बार आऊंगा तो देंगे ना भैया, और एक बार आऊंगा तो देंगे कि नहीं, और एक बार आऊंगा तो देंगे कि नहीं पुरसा? हम लोग जसपुरिया जसपुरिया क्षेत्र क्यों है ना, पुरसा खाते हैं हम लोग, इधर दाल है देख सकते हैं आप, दाल भी देसी खुशबू आ रही है दाल में, रहड़ का दाल है ना, एक खेत का यहीं का उगाया हुआ है ना, वाह बाकी खुशबू आ रही है, देसी देसी खुशबू आ रही है। ये है मिक्स सब्जी है ना भाई, मिक्स सब्जी है ना, वाह ये है मिक्स सब्जी। ये है चिकन, ये मुझे लगता है देसी चिकन तो नहीं है लेकिन देसी स्टाइल में बनाया गया है इसको, बरोबर हाँ आँच में बनाया गया है, एक आध पीस डाल दो ना और दोबारा नहीं आऊँगा मैं, धन्यवाद। और ये है ये अंडा है ना, अंडा नहीं लूँगा मैं, चिकन ले लिया हूँ, इसको मैं बाद में लूँगा, मेरा चेहरा याद रखिएगा ना, दोबारा आऊँगा लेने में, नहीं आज ही आऊँगा चावल ख़त्म करने के बाद। लोग ले लिए हैं सारे लोग, बाकी बैठ के खाते हैं। में गाइस ये पहाड़ी स्टाइल का खाना बहुत मज़ा आया, लकड़ी से बना हुआ खाना आप देख सकते हैं, पूरा ख़त्म कर चुका हूँ मैं और दोबारा लेने जा रहा हूँ, बाकी बहुत मज़ा आ रहा है चावल खाने में और चिकन खाने में, और दाल है रहड़ की और मिक्स वेज सब्जी है। तो नए जीवन के लिए आपको हार्दिक बधाई, दिल से बधाई, धन्यवाद, और ऊपर वाले से हम लोग दुआ करते हैं कि आप दोनों का ज़िंदगी बहुत अच्छा से गुजरे, हर समस्या में परमेश्वर आपका साथ दे, उन्नति हो, तरक्की हो, सब कुछ आपके जीवन में ईश्वर दे, यही हम लोग का कामना है। इसी के साथ हम आपको विदा करते हैं। अभी नहीं जा रहा चलिए अभी नहीं जा रहा है, मैं भी यहीं पे हूँ बस,
बाकी मैं निकलता हूँ, बाकी शादी में आके बड़ा मजा आया। 11 तारीख को आना। हाँ 11 तारीख को अगर टाइम रहेगा जरूर आएंगे ना। बाकी मिलते हैं पीरे गाँव में। हाँ 11 तारीख बाकी आपको मजा आया कि नहीं? हाँ बुझे लग रहे थे आप। अरे बेचारा ऐसे ही। चलिए फिर गुड नाइट। अब आपकी खुशी दिखती नहीं चाह रहे मैं। क्या बोलते हैं, नया जीवन के लिए आपको शुभकामनाएं। बाकी सो गाइस फिर से आ गए हम लोग कांसाबेल बेथल इंग्लिश मीडियम स्कूल के बगल में। ए अंकल का घर हम लोग शादीनाज के आप देख सकते हैं। इधर हैं चीनी, इधर है अंकल जी। अंकल जी आज का दिन हम लोग के लिए बेहतरीन दिन में से एक था, यादगार दिन बन गया है मान लीजिए। बिल्कुल खूब इंजॉय किए से मिल करके। हाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है आज। बिल्कुल यादगार दिन था। हाँ यादगार दिन था। बहुत ही अच्छा। बाकी ये मिलने के लिए तरसते हैं। बाकी हम लोग तो डांस किए और बात किए तो काफ़ी मजा आया। बात ये डांस भी किए। बाकी काफ़ी मजा आया। बाकी मिलते हैं गाइस जल्दी ही। बाकी निकलते हैं हम लोग यहाँ से, निकलते हैं थोड़ा देर में। हाँ ठीक है, पानी पी लीजिए। हाँ आराम से। हाँ ठीक है। बाकी मज़ा आ गया आज। हाँ जी। बाकी अंकल को भी सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। बार बार बोलता हूँ मैं, हमारे इंस्पिरेशन है एडी तिर्की के नाम से है यूट्यूब चैनल। जी हाँ एडी तिर्की जी। बाकी मैं लिंक तो डाल ही दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जी हाँ ये है चीनी लकड़ा, ये भी मैं बोल चुका हूँ, इनका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा चैनल का लिंक चीनी लकड़ा का। बाकी इनको भी सपोर्ट करें, ये भी काफ़ी अच्छे वीडियो बनाती है। बाकी इनके चैनल में भी रहने कुछ का कुछ क्लिप्स देखने को मिलेगा। जी गाइस यहाँ से निकलने का टाइम हो गया और ये हैं अंकल और आंटी। बाय आंटी, गुड नाइट। बाय। बाकी मिलते हैं फिर मिलेंगे बहुत जल्द। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ नारियल डांड और ये हमारा मित्र है फ्रेंड्स, कॉलेज का मित्र है। इसको मैंने जगा कर रखा था, आप देख सकते हैं। ये है दिनेश, दिनेश भाई है। ये हमारे कॉलेज का मित्र हैं, अभी यहाँ पे सेटल हो गए हैं। यहाँ पे स्कूल है इनका, प्राइवेट स्कूल। क्या स्कूल है दिनेश भाई आपका? लिटिल पहले हाय बोलिए हमारे व्यूअर्स को। हाय। बाकी काफ़ी मज़ेदार इंसान है। बाकी कॉलेज के मित्र हैं हमारे। बाकी मैं आ गया हूँ अपने मित्र के पास। बाकी आज का रात मैं यहीं पर गुजारूँगा। आप देख सकते हैं हमारे लिए यहाँ पर बिस्तर भी रेडी करके रखा है दिनेश भाई ने। आज हम लोग यहीं पर सोएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है।